स्टार्ट करते हैं. देयर इज एन ऑब्जेक्ट व्हिच इज मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड इन दिस डायरेक्शन. ठीक है. इट इज एक्टेड अपॉन बाय अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन दिस वे. मास ऑफ द ऑब्जेक्ट बी 2 केजी. फाइंड एक्सप्रेस वेलोसिटी एज फंक्शन ऑफ टाइम. हेलो. चलो अप्लाई एनएलएम अलोंग एक्स एक्सिस. अलोंग एक्स एक्सिस अप्लाई करो. कितने फोर्सेस लग रहे हैं? एक्स डायरेक्शन में कितने फोर्सेस लग रहे हैं? अब ये भी नहीं बताओगे तो कैसे चलेगा? What forces are acting along x axis? Nothing. So zero. So there is no acceleration. X axis ke along koi acceleration nahi. So jab acceleration nahi hai, to y x component of velocity kya hoga? Zero. Hello. सर जीरो. वेलोसिटी जीरो होगा. क्यों जीरो होगा? एक्सेलरेशन जीरो है ना. वेलोसिटी जीरो नहीं, एक्सेलरेशन जीरो और वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड. तो हमेशा के लिए 10 आई हो जाएगा. चलो वाई एक्सिस के अलोंग अप्लाई करो. सम ऑफ ऑल फोर्सेस इज मास इनटू एक्सेलरेशन. फोर्स बताओ. डाउनवर्ड फोर्स है इक्वल टू 2 इनटू हां तो ए वाई हो गया -10j. इस डायरेक्शन में होगा तो वी वाई क्या होगा? व्हाट विल बी वी वाई? What will be Vy? सर आपने वो y एक्सिस वाला कैसे किया? वो मास का हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स लेंगे ना? नहीं नहीं, मैंने तो बोला ही नहीं यहाँ पे ग्रेविटी है. ये तो प्योर 20 न्यूटन लग रहा है बस. हो सकता है वही ग्रेविटी. स्पेस में होगा कोई पॉइंट. हेलो. आई अंडरस्टैंड. बहुत जेन्युइनली क्वेश्चन पूछा मैं. हेलो. यस सर. बोलो वीवाई कितना होगा? 30 सेकेंड्स के बाद वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? फंक्शन ऑफ टाइम बताना ना. वर्टिकल वेलोसिटी विल बी व्हाट इन टर्म्स ऑफ टी? इनिशियल वेलोसिटी वर्टिकल डायरेक्शन में कितना है? जीरो. -10 tj. तो वेलोसिटी क्या होगा? वेलोसिटी विल बी 10i - 10tj. समझो क्या लिखा है? नहीं समझा तो वापस. ये वाला पार्ट नहीं समझा. सी वाई डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी जीरो था. इनिशियल वेलोसिटी जीरो थी ना.
फोर्स कांस्टेंट था तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट था माइनस 10 जे. तो फाइनल वेलोसिटी इज यू प्लस ए टी, इनिशियल वेलोसिटी इज जीरो. कांस्टेंट एक्सेलरेशन है तो आई कैन अप्लाई काइनेमेटिकल इक्वेशन. If acceleration is constant, I can apply kinematical equation. The final velocity is u plus at. The final velocity vy vector is 0 minus 10 t j vector. So vy is minus 10 t. So net velocity 10 i minus 10 t j. Okay. Yes, sir. तो ये हो गया आपका वेलोसिटी ऐसा फंक्शन आता है. अब यहीं पे अगर मैं आपसे डिस्प्लेसमेंट पूछ ले, डिस्प्लेसमेंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, तो क्या आप बता पाते थे डिस्प्लेसमेंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम? याद करके देखो, पहले भी पढ़ चुके हैं हम ये सब. सर 10 टी आई माइनस 10 टी स्क्वायर बाय 2 प्लस सी, सॉरी सर जे, जे भी होगा वहां पे, माइनस 10 टी स्क्वायर बाय 2 जे प्लस सी. कौन सा फॉर्मूला लगाया हमने? एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, राइट. डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, एस वेक्टर लिख देता हूँ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के लिए. डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. इनिशियल वेलोसिटी 10 आई प्लस 10 आई, 10 आई टी माइनस हाफ. एक्सेलरेशन इज 10 जे, 10 जे टी स्क्वायर. ये आंसर होगा 10 टी आई माइनस 5 t square. That's it. This is displacement as function of time. ये तो integration करके मैंने मेरको दिमाग में आया. Integration कब करना है? आपने वो acceleration अगर variable हो, function of time, function of x, function of v, तो integration लगता है. अगर मतलब integration कहीं भी लगा सकते हो आप, बट मैं क्यों सोचू कॉम्प्लिकेटेड क्यों कर. व्हेन आई हैव रेडीमेड 3 फॉर्मूलेस जिसके हेल्प से ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं. कौन से? जो कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाले होते हैं. क्या बोला बेटा? सर आपने लास्ट टाइम एक क्वेश्चन दिया था होमवर्क में. अच्छा, चलो वो डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन के बाद. अ गन फायर्स 5 बुलेट्स विद स्पीड ऑफ 180 मीटर पर सेकेंड इफ मास ऑफ ईच बुलेट बी 50 ग्राम. फाइंड एवरेज फोर्स एक्सर्टेड बाय बुलेट्स ऑन. एक्चुअली क्वेश्चन पहले डालना था बट छूट गया था. तो मुझे क्वेश्चन ही नहीं समझा. ओके ठीक. बुलेट को जब आप फायर कर रहे, गन फायर कर रही है, तो आपको नहीं लगता बुलेट गन पे फोर्स लगा रही होगी? हाँ सर, गन जो है बुलेट पे फोर्स लगा रही होगी, तो बुलेट भी तो गन पे फोर्स लगाएगी, तो वही फोर्स निकाल. हिंट है, फोर्स इज बेसिकली चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम. इतना हिंट दे रहा हूं, स्टार्ट कर. कितना मोमेंटम चेंज हो रहा है पर सेकेंड आपको एस्टिमेट करना है.
बुलेट्स की वेलोसिटी जीरो से उतनी पहुंच रही है, क्या क्या हो रहा है सब आपके सामने। सर 1800 मीटर। 1800 लेट्स चेक। तो फोर्स इज चेंज इन मोमेंटम P2 माइनस P1 पर सेकेंड, राइट? P2 माइनस P1 पर सेकेंड। तो एक सेकेंड में कितनी बुलेट्स आप फायर कर रहे हो? 5 बुलेट्स। तो कितना मास फायर हो गया इनटू 50/100 1000। इतना मास चेंज इन वेलोसिटी इनकी कितनी हो गई? 180 माइनस जीरो, दैट्स योर आंसर। खत्म हो गई क्वेश्चन। ये हो गया 445 न्यूटन। सर एक बार रिपीट कीजिए। आप शांत दिमाग से, चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम चाहिए। तो मोमेंटम किसका चेंज हो रहा है जो आपको विजिबल हो, वो किसका हो रहा है? बुलेट का हो रहा है, राइट? यस सर। तो कितना चेंज हो रहा है? जीरो था, बाद में कितना हो गया? 50 ग्राम है इनटू 180, कितना हो गया? तो चेंज इन मोमेंटम बुलेट का है, कितना हो गया? फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो इतना हो गया, राइट? सो दिस इज चेंज इन मोमेंटम ऑफ द बुलेट। एक सेकेंड में कितनी बुलेट फायर कर रहा? 5। तो एक सेकेंड में टोटल चेंज इन मोमेंटम कितना है? डेल्टा पी बाय डेल्टा टी पर सेकेंड कितना जाएगा? 5 × 50/1000 इन क्वेश्चन का था। तो ये हो गया 55 × 250 254 से कट किया 45 न्यूटन। अच्छा आंसर। ऑल राइट, हेलो, समझ में आया? सर थोड़ा थोड़ा। कौन सा पार्ट नहीं समझा? बोलो, मैं समझा। व्हाट्स योर एम? टू फाइंड फोर्स। व्हाट इज फोर्स? चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम। मोमेंटम किसका चेंज होता नजर आ रहा है आपको? बुलेट का। इनिशियल मोमेंटम था जीरो, गन के अंदर जब रखा होगा तो बुलेट का वेलोसिटी जीरो होगा, सो इनिशियल मोमेंटम इज जीरो, राइट? इनिशियल मोमेंटम इज जीरो, फाइनल मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी, तो 15/1000 केजी में होगा इनटू 180, ये हो गया आपका फाइनल मोमेंटम। तो चेंज इन मोमेंटम इज दिस एक बुलेट का। तो एक सेकेंड में 5 बुलेट फायर हो रही है, तो 5 बुलेट का मिला के जो आएगा वो पर सेकेंड चेंज इन मोमेंटम होगा, तो मल्टीप्लाई कर दिया, तो दैट इज फोर्स। ये वो फोर्स है जो गन बुलेट्स पे लगा रही है और बुलेट गन पे लगा रही है, जैसे एवरेज फोर्स एग्जर्टेड बाय बुलेट्स ऑन द गन और गन ऑन द बुलेट्स। हेलो, टाइम किधर गया? अरे पर सेकंड, एक सेकंड में है ना 5 बुलेट्स पर सेकंड, तो 5 एक सेकंड हो गया ना अपॉन 1 है ना, ये तो ऑलरेडी एक सेकंड का ही निकाल रहा हूं मैं। ऐसा थोड़ी ना कि 10 सेकंड में 5 बुलेट मारी, तो नहीं तो फिर 5/10 भी लिखता था मैं। सी, अगर 5 बुलेट इन 10 सेकंड बोला होता तो मैं 5/10 लिखता था, ये तो 1 सेकंड में है ना, 5 बुलेट्स इन 1 सेकंड, तो टी की वैल्यू 1 ही हो गई ना, डेल्टा टी पर सेकंड मींस व्हाट? इन 1 सेकंड, तो अपॉन 1 ही है ना डेल्टा टी। यस सर, समझा? ओके, चलो लेट्स टेक दैट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन दिया था मैंने करने के लिए। देयर इज एन ऑब्जेक्ट
which is projected with some velocity v, right? Two forces are acting on it. One is mg, other is bv. कितना टाइम लगेगा उसको ऊपर पहुंचने के लिए? We want time of ascent. फिर वहां से उसको नीचे गिराना है, ठीक है? तो नीचे आने के लिए कितना टाइम लगेगा ये? तो किसी ने सॉल्व किया? हेलो, इसको रब कर दूं? किसी ने सॉल्व किया ये क्वेश्चन? सर नहीं किया है।